नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का बाजार का हॉट टॉपिक रहा यस बैंक। जी हाँ, आज हमने चार लाइव सेशंस किए, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और फिर शाम को क्लोजिंग बेल 3:15 बजे। पूरे बाजार में, लाइव मार्केट में हमने आके एनालिसिस की। हमने देखा बाजार की क्या रुख है, बाजार किस तरह जाने वाला है, क्या लेवल्स मेंटेन होंगे। हमने देखा निफ्टी ने 10,840 का बेहद जबरदस्त सपोर्ट को मेंटेन किया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। वहां से बाजार ने कम से कम 150 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग दी, वहां से अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। वहीं जहां निफ्टी हमारी ट्यून्स पे नाच रही थी, जहां निफ्टी के एनालिसिस हम कर पा रहे थे, वहीं पे एक और शेयर था जो बड़ी धूम मचा के रखा हुआ था। जी आप स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं यस बैंक, जो आज की डेट में लोगों का मजाक भी बन के रह गया है। लोग कहने लगे हैं यस बैंक के लोगों को यस बैंक ना होके नो बैंक कर देना चाहिए। ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना चर्चा में रहा। दोस्तों, कल के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि यस बैंक की बढ़ने की वजह रही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शायद इसमें एक स्टेक खरीद सकता है। यस बैंक ने एक ऑर्डर इश्यू किया, नोटिस इश्यू किया कि उसको मालूम ही नहीं है कि स्टेट बैंक उसको खरीद सकता है। इस उठापटक के बीच में, इस न्यूज के बीच में, वो रूमर थी या सही था इसका विश्लेषण करने के समय में यस बैंक कल 40% के आसपास बढ़ गया। वहां हमने रात को लाइव सेशन में बहुत क्लियरली कहा था कि ये अगर आज बढ़ा है तो कल इतना ही गिरेगा। आप उस सेशंस को जाके देख सकते हैं, सब कुछ हमारे चैनल पर रिकॉर्डेड है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा समय पे सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहां हम हर चीज का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। यहां जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सबसे शानदार होगी, सबसे सटीक होगी, सबसे वैल्यूएबल होगी। चलिए देखते हैं यस बैंक में क्या रहा, क्या करने की कोशिश की यस बैंक में, और गवर्नमेंट उसके बीच में अगर आ रही है तो क्या करने के लिए आ रही है। लोगों के दिमाग में आज एक सवाल है कि मेरा पैसा यस बैंक में फंस तो नहीं गया है। जो मेरा पैसा उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्या वो फंस तो नहीं गया है। क्या जो SIP, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, वो SIP का मोड अगर उनके यस बैंक से है, क्या मेरा पैसा वहां फंस गया है, क्या मेरी SIP स्टॉप हो जाएगी, या मैंने जो फिक्स डिपॉजिट्स बैंक में करा के रखे हैं क्या वो फंस गए हैं, या जो बॉन्ड्स मैंने यस बैंक के खरीद के रखे हैं क्या वो फंस गए हैं। ये सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे आखिर में कि ये यस बैंक अभी और कितना गिर सकता है या ऊपर जाने की कोई संभावना है, तो हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे टेक्निकल फ्रंट पे, और इसके लेवल एनालिसिस करके इसके दोबारा से लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यस बैंक कैसा दिखता है चार्ट्स के ऊपर में। दोस्तों, ये यस बैंक का शेयर है और यहां देख सकते हैं कि आज सुबह मॉर्निंग में जब वो खुला है, सुबह 15 मिनट की जो कैंडल थी, सुबह 9:15 बजे वाली जो कैंडल बनी है, 15 मिनट का मैंने हालांकि 1 आवर का चार्ट फ्रेम लगा के रखा है, पर अगर पहले 15 मिनट को ही देखने की कोशिश करें तो पहले ये 15 मिनट से ही बाजार ने गिरना शुरू कर दिया था। 33.15 रुपए का हाई, 29.45 रुपए का लो। यहाँ पे अगर आप पुराने वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे, जो वीडियो मैंने मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं 12 फरवरी 2020 को मैंने बनाया था। 12 फरवरी दोस्तों, आज है 3, आज है 6 मार्च, मतलब कितने दिन निकल गए, कम से कम 15 और 6, 21 दिन पहले हमने इस वीडियो का प्रोडक्शन किया था, आपके लिए वीडियो बनाया था, और हमने बहुत क्लियरली आपको कहा था कि यस बैंक नो बैंक हो चुका है। वहां एक लेवल दिया था कि जैसे ही यस बैंक 30 रुपए को तोड़ेगा, 31-30 रुपीज के ब्रेक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, तो यस बैंक पुराने दिन देख सकता है, पुराने दिन मतलब 17 रुपए तक जा सकता है। दोस्तों, आज की क्लोजिंग क्या है, दोबारा से नजर डालने की कोशिश कीजिए, 16.60 रुपए। और यस बैंक ने लो कितना लगा, एक पैनिक लो लगा 5.75 रुपए का 11:30 बजे के आसपास, और इस पे अगर वॉल्यूम्स देखी जाए तो हाईएस्ट वॉल्यूम थी, मतलब लोगों ने बहुत पैनिक सेलिंग की, बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग की। क्यों, इसकी बहुत सारी न्यूज चर्चा में रही। दोस्तों, कुछ न्यूज का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। पहली तो रही कि कल हमें ये सुनने में आया कि जो यस बैंक है उसके अकाउंट्स को गवर्नमेंट ने एक लिमिट के तहत बांध दिया गया है, मतलब जितना भी डिपॉजिट आपके पास बैंक में है, आप उस बैंक का 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जितना भी डिपॉजिट आपने रखा है उसका विड्रॉल की लिमिट को सीज किया गया, 50,000 रुपए तक की लिमिट को बना दिया गया। तो लोगों को डर यह लगा कि मेरे अगर लाखों करोड़ों रुपए की FD बैंक में है तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाजार में सेलिंग आने लगी, और क्योंकि निफ्टी में से शेयर को रिसेंटली बाहर किया गया है, इसके फंडामेंटल्स भी खराब हो चुके हैं, ये इतने दिनों से चर्चा में है, कहां 400 रुपए से गिरते गिरते शेयर 5.75 रुपए। सोच के देखिए मैं कितना स्ट्रेस करता हूं इस चीज के ऊपर कि अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स में निवेश करना चाहते हैं तो उसके फंडामेंटल्स आपसे और मुझसे जुड़े होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कंपनी
कोई भी कंपनी की अगर आपको बैलेंस शीट नहीं देखनी आती कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखने आते कोई बात नहीं, हर किसी को नहीं देखना आता। आप ये कोशिश कीजिए जानने की कि वो जो कंपनी जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, उस शेयर में निवेश करना चाहते हैं, क्या उसका कुछ रिटेल कारोबार है, क्या वो रिटेल से जुड़ी हुई है, क्या आपसे और मुझसे किसी तरह से वो जुड़ी हुई है। अगर बैंकिंग के बिजनेस में कंपनी है, जो बैंक यस बैंक प्राइवेट सेक्टर का कॉर्पोरेट लेंडिंग बैंक है, मैं कॉर्पोरेट लेंडिंग क्यों कहूंगा क्योंकि 65% से ज्यादा का लेंडिंग बिजनेस इसका कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग से था, सिर्फ और सिर्फ 35% के आसपास का बिजनेस इसका रिटेल से आता था। वहीं अगर दूसरे बैंक की बात की जाए, जहां HDFC बैंक की बात करें, रिवर्स मिलेगा ये सब चीजें, वहां पे उनका मेजर कॉर्पस जो है वो रिटेल से आता है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग बहुत कम रहती है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग रहती भी है तो उनकी डिलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, वो कॉम्प्लायंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सोच समझ के वो अपना पैसा उधार देते हैं। जबकि अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट के झांसे में आप आके अगर पैसा देते रहेंगे तो बहुत सारे विजय माल्या, बहुत सारे नीरव मोदी निकल के आएंगे जो बैंक्स का पैसा लेके डूबेंगे। अब बात आती है यस बैंक की। यस बैंक को समझने के लिए आज आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही फेमस न्यूज साइट के ऊपर में, जिसको आप सब मनी कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है दोस्तों, जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ बिल्कुल भी प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, उसमें कोई भी झूल झाल नहीं है, कोई भी ब्लफ नहीं है, ये इसका पूरा श्रेय मनी कंट्रोल को जाता है, जितने भी न्यूज मैं आपके सामने रखा हूँ। चलिए देखते हैं मनी कंट्रोल ने आज क्या क्या चीजें समय पे आपको आपके सामने न्यूज रखने की कोशिश की। ये बहुत आसान है दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो सभी सोर्सेज दिए जाए ताकि अपनी न्यूज आप खुद भी पढ़ सके। बहुत ही कॉमन सोर्स है मनी कंट्रोल की, अगर आप न्यूज पेज पे जाते हैं तो यस बैंक को पाएंगे सबसे ऊपर। न्यूज रही हाउ इट इंपैक्ट्स योर डेट फंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों डेट फंड इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं पहले। दो तरह की इन्वेस्टमेंट रहती है बाजार में, एक रहती है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, दूसरे रहते हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स, जहां पे कुछ पोर्शन इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और कुछ पोर्शन डेट में इन्वेस्ट होता है। अब डेट फंड का इस्तेमाल कहां होता है समझने की कोशिश कीजिए। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पे हमारा पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और FDs वगैरह में लगता है। हमें लगता है कि बाजार में अगर हमें बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, हम इक्विटी के एक्सपोजर को नहीं झेल पाएंगे, उसकी वोलेटिलिटी को नहीं झेल पाएंगे, तो हम डेट की तरफ जाते हैं। हमें लगता है एक सीधा साधा 10-11% के आसपास का या 9-9.5% का एक रिटर्न हमें मिलता रहेगा और सेफ रहेगा। हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं चाहिए तो हम डेट फंड्स की तरफ जाते हैं, बैलेंस फंड्स की तरफ जाते हैं, जिनका कॉर्पस, जिनका निवेश कुछ इक्विटी में रहता है और कुछ पोर्शन डेट में रहता है, और कुछ प्योर डेट फंड्स होते हैं जिनका एक्सपोजर प्योरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स रहे जिनमें इस यस बैंक में एक्सपोजर था, यस बैंक के बॉन्ड्स में एक्सपोजर था। चलिए चलते हैं, अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे इस न्यूज के ऊपर, देखिए हाउ मच एलोकेशन द म्यूचुअल फंड्स हैव टू यस बैंक बॉन्ड्स। बहुत क्लियर है, ये सोर्स सामने है, बड़ौदा ट्रेजरी एडवांटेज फंड, डेट फंड है लो ड्यूरेशन का, 26.87% यस बैंक के बॉन्ड्स में निवेश था इसका। निपॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेट फंड, मीडियम ड्यूरेशन का फंड है, 20%। निपॉन का ही एक और है, निपॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, ये भी डेट फंड रहा, 9% यहां पे लगाया इसने। निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, 7.47% का इसमें निवेश रहा। निपॉन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड, मतलब निपॉन इंडिया चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर यस बैंक में बहुत बहुत ज्यादा था। और हो सकता है दोस्तों डेटा जब आएगा, ये जो सेलिंग रही जिसकी वजह से 30 रुपए से लेके उसने 5 रुपए का लो लगाया, हो सकता है यहाँ पे जो सेलिंग रही वो निपॉन इंडिया की रही हो। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इन लोगों की, यहाँ पूरा बाजार को खाली किया औने पौने दाम में, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये तक बैठ गया था कहीं 1 रुपए ना आ जाए, डीलिस्ट ना हो जाए, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पे दोबारा क्या चीज हुई, यहाँ पे रेस्क्यू की बातें आती है, यहाँ पे सरकार सामने आती है। क्यों? सरकार को सामने आना पड़ेगा, बैंक की बातें हैं, जब बैंक की बातें हो रही हैं तो सरकार को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का हार्ड अर्न मनी इसमें निवेशित है, लोग अपना बैंक में पैसा रखते हैं, और अगर आपके देश में बैंक सुरक्षित नहीं है तो लोग कहां जाएंगे। हम बात करते हैं व्हाइट मनी की, व्हाइट मनी कहां से आती है, बैंक्स में रखे हुए धन को हम सफेद धन कहते हैं, व्हाइट मनी कहते हैं। जो बैंकों में धन नहीं है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कभी भी सीज कर सकती है। बट अगर आपका व्हाइट मनी आपके बैंक में सीज हो जाए तो आपको कौन बचाए। यहां पे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का रोल निकल के आता है दोस्तों, देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन यहां रेस्क्यू करने के लिए क्या आई। बड़ा टफ साल रहा है उनके लिए, क्योंकि कभी वो DHFL को रेस्क्यू करने की बातें करते हैं, कभी वो यस बैंक को रेस्क्यू करने की बातें करते हैं। देखते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या आई। फिर से चलते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर, यहां सभी न्यूज एक सामने है, और चलिए देखते हैं यहां पे क्या रहा।
सभी न्यूज आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आरबीआई, आरबीआई अनाउंसेस ड्राफ्ट स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन फॉर यस बैंक। आरबीआई भी इसमें शामिल है क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, गॉडफादर है बैंक्स के लिए। ये सारे रूल रेगुलेशन आरबीआई को बनाने पड़ेंगे यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बातें हो रही है। और सीतारामन जी ने क्या कहा, सिंस 2017 आरबीआई हैड बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द यस बैंक सिचुएशन। मतलब 2017 से सिचुएशन खराब थी आरबीआई, जब से मॉनिटर कर रहा था। दोस्तों यहां मेरा सवाल खड़ा होता है कि अगर आरबी 2017 से यस बैंक को मॉनिटर कर रहा था तो यस बैंक का भाव 2017 में बहुत ऊपर था, वहां से लेके यहां तक आते आते ₹5 का लो लगा दिया, ₹5.75 का। हम देख लेते हैं एक बार चार्ट के, चार्ट पे चल के, अगर हम ईयरली चार्ट पे चले या वीकली चार्ट पे चलिए, हम देखते हैं 2017 में क्या सिचुएशन। ये 2017 आया दोस्तों, 2017 में यस बैंक का भाव 260-270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 270 रुपए से ₹5.75 का शेयर आ जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी है, क्या कर रहा था आरबीआई, मेरा सवाल है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात अगर ये देख रहे थे तो इन नवंबर 2000 दूसरी न्यूज क्या निकल के आती है, उसके बाद स्टेटमेंट है सीतारामन जी की, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सॉ माल प्रैक्टिसेस ऑफ सम एग्जीक्यूटिव्स एट यस बैंक। कुछ धांधलियां सामने आई, सब जानते हैं इसके बारे में। 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया बैंक के ऊपर मार्च 2019 में। सेबी ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की सितंबर 2019 में। उसके बाद मई और जून 2019 में बैंक के ऊपर फाइन लगाए गए, वहां भी लोगों को सांत्वना दी गई, नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 2019 में आते आते भाव क्या रहा, 2019 में आते आते भाव 188 रुपए, 270 रुपए से 188 रुपए के आसपास भाव चला गया। और उससे पहले 2018 के जुलाई के आसपास में बैंक ने 400 रुपए का हाई लगाया। सोच सकते हैं मैनिपुलेशंस, ये होती है मैनिपुलेशंस दोस्तों। बैंक में कुछ सुगबुगाहट है खराबी की, भाव चलता है 270 रुपए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और भाव चला जाता है 404 रुपए। अब सोचिए देखिए ये क्या होता है, ये प्रमोटर जब अपना माल बेच रहा होता है, एग्जिट कर रहा होता है, लोगों को बोला जाता है कि मेरे शेयर्स हीरे हैं। जो डायरेक्टर थे इस कंपनी के, इस बैंक के, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि माई शेयर्स आर डायमंड, आई विल नेवर सेल माई डायमंड्स। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये डायमंड कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं, अगर ये हीरे थे तो कौड़ियों के भाव क्यों बिके। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर 2017 से हो रही थी तो 2018 जुलाई के आसपास 400 रुपए का हाई कैसे लगा, अगर इसके ऊपर पेनल्टीज पहले भी लग रही थी तो आरबीआई क्या कर रही थी। मैं आरबीआई के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, बट हाँ ये इन्वेस्टिगेशन का मुझे हजम नहीं होती। आज हर निवेशक ये जानना चाहता है कि उसके पैसे का क्या होगा। दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में क्योंकि पूरा अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं। जिन लोगों का पैसा फंसा है ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। जिसके दिमाग में कुछ भी सवाल है ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए जुलाई 2008 के आसपास इसने हाई लगाया है, अगस्त 2008 में 400 रुपए के आसपास, उसके बाद से लगातार सिलसिला गिरावट का जारी है। 2019 में भी इन्वेस्टिगेशन हुई है जब 280 का भाव चल रहा था, 280 के आसपास में। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई क्या अभी तक, जो लोगों का पैसा मिट्टी हो गया ₹5.75। अब स्टेटमेंट क्या है, 2019 में इन्वेस्टिगेशन हुई, चलिए ठीक है। इन नवंबर 2019 इट वॉज क्लियर दैट देर वॉज नो होप्स फॉर द बैंक टू गेट एनी मनी। बैंक के पास पैसा नहीं था, क्लियर साफ दिखाई दे रहा था, कोई उसको पैसा देने को तैयार नहीं था। 2019 नवंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक साल पुरानी बात कर रहे हैं। और सीतारामन जी ने कहा कि वी हैव आस्क्ड आरबीआई टू फाइंड आउट एसेस वेयर द प्रॉब्लम लाइज। क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढने के लिए आरबीआई की ड्यूटी लगाई है। आरबीआई तो 2017 से ड्यूटी में था, अगर आरबीआई 2017 से देख रहा था कोई प्रॉब्लम है तो इतने साल लग गए लोगों का पैसा बर्बाद कर देने के लिए। मैं इस चीज को बिल्कुल भी मेरे गले से नहीं उतरती है। अभी जो लेटेस्ट रेस्क्यू आता है बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ है, बहुत हो हल्ला मचा है इस न्यूज के ऊपर में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यस बैंक। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठेका ले लिया है सभी के सभी पनौती वाले शेयर्स या पनौती वाली कंपनीज को रेस्क्यू करने का? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसा है वो मेरा और आपका नहीं है? क्या हमारी इंपॉर्टेंट मनी उनके पास नहीं है, हार्ड अर्न मनी उनके पास नहीं है जिससे वो उसको रेस्क्यू करने की बातें कर रहे हैं? हमेशा एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा, यही क्यों सामने आएंगे हमेशा इसको समझने के लिए? एसबीआई तो प्योर सरकारी बैंक भी नहीं है, एलआईसी चलिए ठीक है सरकारी एजेंसी है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100% गवर्नमेंट सब्सिडरी नहीं है। कोई बात नहीं, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा निवेश का पैसा उसके पास है, ये भी उसको रेस्क्यू करने के लिए आएगा। मतलब कुछ तो सुगबुगाहट है, कोई चीज खराब होती है। रेस्क्यू कब किया जाता है? रेस्क्यू किया जाता है जब किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ये तो मानना पड़ेगा प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस के बड़े बड़े लोग आके इस न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था, बड़ी तकलीफ हुई मुझे उनको सुनते हुए। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने आरबीआई हैव एक्टेड स्विफ्टली, दिस वाज द स्टेटमेंट बाय सो मेनी पीपल ऑन द चैनल न्यूज चैनल्स दैट आरबीआई हैव एक्टेड स्विफ्टली, गवर्नमेंट हैव एक्टेड स्विफ्टली। व्हाट द हेल, क्या स्विफ्टली एक्ट किया?
जब 5 रुपए पे लोगों की कैपिटल बर्बाद हो गई रह गई, स्टेट यस बैंक के शेयर ने 5 रुपए 75 पैसे का लो लगाया, तब आपको लगता है कि वी हैव एक्टेड स्विफ्टली. व्हाट द हेल आरबीआई वाज डूइंग व्हेन इट वाज एट अ प्राइस ऑफ 280 और से 400 रुपीज. व्हाट द हेल आरबीआई वाज डूइंग व्हेन इट वाज इन 2019 और 2017 और 2018, जब इसके बारे में पता लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है. दोस्तों ये सभी चीजें सवाल, सभी शक के घेरे में है. मैं किसी एजेंसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट सवाल बहुत क्लियर है. ये आपका सवाल है, मेरा सवाल है. अगर आज मेरा पैसा एफडी के रूप में बैंक में है या मेरी सैलरी उस बैंक में आती है, तो मुझे मेरा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी इंपॉर्टेंट खबर है ये सोच के देखिए. मेरी रातों की नींद उड़ गई है. लोग जितने भी हैं, मुझे दिन भर दोस्तों के फोन आ रहे हैं जिनकी येस बैंक में सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, क्या होगा जिनकी एसआईपी वहां से लग रही है. दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक चीज सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, एक बैंक को कोई भी सरकार बर्बाद नहीं होने देगी. ये आप लिख के ले लीजिए, किसी भी देश की हो चाहे हमारे देश की क्यों ना हो, किसी भी बैंक को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा. कोई ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर आएगा और आपका पैसा उसमें सेफ है, आप समझ के देखिए. दोस्तों इस बजट में गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आए थे, जो पहले इंश्योर्ड अमाउंट होता था, अगर आपको याद हो, बैंक्स में बैंक्स अगर बर्बाद हो जाएंगे, बैंक्स अगर दिवालिया हो जाएंगे, तो पहले आपको जितना मर्जी पैसा लगाओ आपका बैंक में आपको 1 लाख रुपए मिलता था. वो इंश्योरेंस अमाउंट को बढ़ा गए सरकार ने, इस साल 5 लाख रुपए किया. दोस्तों मैं इसको उस न्यूज से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस सोच के देखिए कि आपके अगर एफडी है तो आपको 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस तो हो ही गई. तो क्या सरकार ये समझ रही है कि हिंदुस्तान में बैंकिंग चरमरा गई है? क्या इस सवाल को ऐसे समझा जाए कि बैंकिंग में बहुत बड़ा फ्लो अभी भी आना बाकी है, या गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है ये सोचने में कि हमारे बैंक्स में कुछ नहीं हो सकता, 1 लाख की जगह अगर हम 5 गुना इंश्योरेंस का पैसा देने को तैयार बैठे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. बट अगर येस बैंक का अगर ये हाल हो सकता है, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो क्या वो डिसीजन रॉन्ग साबित नहीं हो सकता? आप सोच के देखिए. मुझे लगता है कि ये एक सवाल और चर्चा का विषय है. इस पे हमें सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, एजेंसीज को सोचना चाहिए इसके ऊपर में. देखते हैं और न्यूज क्या रही इसके ऊपर में. कोई और न्यूज है जो हमारे इंटरेस्ट की है? आरबीआई हैज अपॉइंटेड मिस्टर प्रशांत कुमार एज यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर. ये सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर है, यस बैंक की मैनेजमेंट को बर्खास्त कर दिया गया है. आपको दोस्तों बता दूं, आपका पैसा बैंक में सेफ है, देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा जरूर. तो आपके दिल में अगर घबराहट है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप प्लीज घबराए नहीं. चलिए दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में ऐड करना चाहूंगा. हम चलते हैं अपने उस YouTube वीडियो पे जो हमने 12 तारीख को बनाया था, वहां पे आपके लिए क्या लेवल्स निकाले थे. लोग कहते हैं कि लेवल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है. मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपने हमारी मास्टर क्लास की है, तो शेयर मार्केट बच्चों का खेल बन सकता है, आपकी एनालिसिस बच्चों का खेल बन सकती है, अगर आपने आपके पास वो सीक्रेट है. वो सीक्रेट हमारा सीक्रेट कैलकुलेटर भी हो सकता है, वो सीक्रेट हमारी स्टडी हो सकती है. हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हम क्लास में चार्ट एनालिसिस भी करते हैं, और वो सारी बारीकी देखने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में. बिल्कुल भी टेक्निकल्स को हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते कि बाजार समझ में ना आए. दोस्तों आज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज 6 मार्च को दिन भर हमने दिन में 4 बार लाइव सेशंस किए हैं. चारों लाइव सेशंस को मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर देखिएगा. उन चारों लाइव सेशंस के लिंक इस वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे. दोस्तों उन लेवल्स को जरूर देखिएगा. देखिए बाजार में इन लेवल्स का एनालिसिस करना कितना आसान है. मैं आपको अपने उस वीडियो के ऊपर लेके चल रहा हूँ जो हमने 12 तारीख को बनाया था. यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है. ये देखिए, यस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले इसे देखें. 12 फरवरी, व्यूज थोड़े कम आए, कोई बात नहीं, चलेगा. पर अब मुझे लगता है ये लोगों के बहुत काम आने वाला है. ये वीडियो में हमने बहुत क्लियरली विश्लेषण किया था. सुनिए हमने क्या कहा. आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है. क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोग जो रातों रात स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने की संभावनाएं रखते हैं, सोच रखते हैं, उनके लिए क्या यस बैंक वो जादू की छड़ी साबित हो सकता है? चलिए यस बैंक का एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसमें. और हाँ, इससे पहले अपने 2005 में जब वो लिस्ट हुआ था, उस समय 45 रुपए से जो उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद उसने लो लगाया 11 रुपए के आसपास में. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2005 में 11 रुपए का लो लगाने के बाद 2018 तक का जो सफर यस बैंक का रहा, बहुत ही शानदार रहा. 2018 में यस बैंक ने 404 रुपए का हाई तक लगा दिया. कोई भी अगर इस चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करे या कोई भी शेयर की जर्नी को देखने की कोशिश करे, तो हर किसी के मुंह में पानी आ सकता है. दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं ताकि आपको मैं ये बताने की कोशिश करूं कि हमने उस दिन क्या एनालिसिस किया था. थोड़ा सा आगे लेके जाएगा पूरा. हमने इसमें टेक्निकल्स की बातें की, हमने बैलेंस शीट स्टडी किया, हमने इसमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश की, और अंत में जब हमने बात की कि स्टॉक के लेवल्स क्या हो सकते हैं, वहां चलने की कोशिश करते हैं. और आपके लिए जब हमने अपने सीक्रेट कैलकुलेटर का को इस्तेमाल किया और लॉयल्स निकालने की कोशिश की,
देखिए क्या लेवल हमने निकाले, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आ जाती है येस बैंक में, तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो आने वाले साल में येस बैंक तय कर सकता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम अपने सीक्रेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एक बहुत क्लियर एक जर्नी येस बैंक लेने वाला है पूरे साल में, जिसका एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 31.74 रुपीज का, जो मुझे समझ में आता है 31.74 रुपए, 31.32 रुपीज राउंड फिगर ले लीजिए। अगर ये लेवल मेंटेन हो जाता है, इसको येस बैंक सस्टेन करता है, तो ऊपर की जर्नी रहेगी 40 रुपए, 45 रुपए और ऊपर में 54 होते हुए 72 तक टच कर सकता है। बट जिसके चांसेस हाल फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी से ये शेयर बाहर होने वाला है, शिपमेंट लेने वाला है, और आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए निफ्टी से बाहर होने का, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी इसको बाहर कर दिया गया, तो हो सकता है इसके दिन और भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हमने बहुत क्लियरली चर्चा की थी कि अगर 31 रुपए 32 रुपए के सपोर्ट को मेंटेन कर लेता है, रेजिस्टेंस पार करता है, तो वो 40 रुपए 45 या 70 रुपए तक जा सकता है। बट बहुत क्लियरली हमारे कैलकुलेटर में बहुत सामने लिखा हुआ है ट्रेंड डिसाइडर लेवल, अगर वो 31-32 को मेंटेन करता है तो जर्नी 37 रुपए और 40 रुपए के आसपास में हर्डल फेस करेगा, अगर उसको पार करता है तो आगे निकल जाएगा। और आज के चार्ट में क्या रहा ये देखने की कोशिश करते हैं, और नीचे में अगर वो टूटता है तो वी वर वेरी क्लियर दैट ये 17 रुपए तक जा सकता है, 17 रुपए तक की हमारी एनालिसिस थी और इसी साल की एनालिसिस थी हमारी। चलिए देखते हैं इसमें, और हमने आज के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि आज का चार्ट क्या रहा, क्या हाई रहे, कहां से गिरने की कोशिश की। आज डेली चार्ट लगा लेते हैं, और डेली चार्ट हमारा, चलिए आज के चार्ट को हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं, 15 मिनट के आसपास में। दोस्तों ये 37 रुपए के आसपास का हाई लगाया, 37.75 रुपए का इसने हाई लगाया था कल के दिन में 11:15 बजे के आसपास में, आज 37.50 रुपए का दोबारा से हाई लगाने की कोशिश की, ये हाई लगा। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही सुबह की 15 मिनट की कैंडल टाइम था हमारे पास, ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हो गया, 33 रुपए का हाई लगाया, 29 रुपए का लो, 29.45 रुपए का पूरा टाइम था 15 मिनट का। अगर उस वीडियो को किसी ने देखा होता, हमने क्लियरली कहा था कि अगर 31 रुपीज को तोड़ेगा, इट कैन टेस्ट इट्स ओल्डर डेज, पुराने दिन टेस्ट कर सकता है, 17 रुपए तक आ सकता है, उसके बाद तो बस भूल जाइए कि क्या हुआ। आप सबके सामने है, देख के लोगों को आंसू भी आ गए होंगे आज कि 5 रुपए का लो लगाया और आखिर में 16-17 रुपए के आसपास बंद हुआ। दोस्तों ये लेवल एनालिसिस कौन करके देगा, इतनी सटीक विश्लेषण, इतनी सटीक भविष्यवाणी, इतनी सटीक एनालिसिस कहां मिलेगी। दोस्तों अगर आपको लगता है यस बैंक में पैसा है आपका, और आपको लगता है कि डर कि मेरा पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं बैंक्स में रखा हुआ पैसा सरकार नहीं मरने देगी, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, आपका पैसा आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। अभी गवर्नमेंट उसको कैसे रेस्क्यू करने वाली है, स्टेट बैंक उसमें कैसे स्टेक खरीदेगा, उसको पूरा 100% टेक ओवर करेगा या पार्शियल टेक ओवर होगा, क्या होगा, नाम वही रहेगा या नाम बदला जाएगा, अभी चीजें आनी बाकी होंगी। तो जो लोग भी पोजीशंस में बने हुए हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पैनिक सेलिंग में अपनी जो इक्विटी आपने 100 रुपए से लेकर रखी हुई है या 50 रुपए से लेकर रखी हुई है, यहां एग्जिट मत होइए। दोस्तों बंद करने से पहले, इस वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज याद दिलाऊंगा, कुछ दिन पहले 65 रुपीज से लेकर 68 रुपीज में राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत बड़ा स्टेक खरीदा था, याद आपको, क्या हुआ स्टेक का, क्या वो स्टेक वो न्यूज फ्रॉड थी, क्या वो स्टेक और न्यूज आपको और हमें माल चिपकाने की न्यूज दी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने निवेश अभी तक रखा हुआ है कि निकाल दिया, बट हर न्यूज चैनल बहुत क्लियर था कि कितने बड़े निवेशक ने उसमें निवेश किया है। दोस्तों इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें लॉस नहीं होते, ये बाजार है, बाजार में किसी को भी लॉस हो सकते हैं। आपको अगर लॉस से बचना है तो डेटा एनालिसिस करना ही होगा, चार्ट एनालिसिस एक लैगिंग टूल है, क्योंकि चार्ट वो है जो हो चुका होता है उसको दिखाता है। अगर आपको ये समझना है कि क्या हो सकता है, दोस्तों अगर आपको क्लासेस के बारे में जाना है तो 7827286174 ये नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे आपके शहरों में आपके नजदीक में कोई भी क्लासेस है तो उसका पता आप कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।